नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। भारत जलाओ पार्टी की दंगा नीति यही चल रहा है। लालू यादव जी ने बोला था भारत जलाओ पार्टी, वास्तव में यह भारत जलाओ पार्टी ही निकला। इसका नीति है दंगा का। अच्छे खासे लोग भी इस पार्टी में जाते ही दंगा करने लगते हैं, मुंह से आग निकलने लगता है। जब तक उस पार्टी में नहीं होता तब तक बहुत बढ़िया रहता है, तब तक तो लगता है कि देश भारत देश है और एक सच्चा देशभक्त की तरह बिहेव करता है। उसके पार्टी में जाते ही वो खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब इनका ही सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। तो क्या आरएसएस की शाखाओं में आजकल ऐसा ही हिंदू धर्म सिखाया जा रहा है जो उर्दू को देख के डर जाए, भड़क जाए, तोड़फोड़ पे उतर आए? इसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं आजकल उर्दू में। पिछले 2-3 दिन में अगर आपने देखा होगा उन्होंने उर्दू में बहुत सारी ट्वीट की हैं और दुनिया भर में इसकी प्रशंसा भी हो रही है। इस्लाम की तारीफ में भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है, मिलीजुली संस्कृति के बारे में भी कहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं क्या आरएसएस के कार्यकर्ता मोदी जी के साथ भी वैसे व्यवहार करेंगे जैसा इस फ्रांस के नागरिक के साथ किया, इस कलाकार के साथ किया है? क्या उनके साथ भी इसी तरह की भाषा, इसी तरह की धक्का मुक्की की जाएगी क्योंकि वो भी आजकल उर्दू लिख रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल। मोदी जी को कोसता था अपनी जुबान से, खुलेआम कैसे कैसे गालियां निकालता था मोदी को, सुनिए कैसे। जहां पर हिंदू और मुसलमान एक साथ त्योहार मनाते हैं, जहां फूल वालों की सैर भी होती है, योग माया के मंदिर में पूजा भी एक साथ होती है, तो दिल्ली को शायद वो समझ नहीं पाए हैं, हिंदू धर्म को नहीं समझ पाए हैं। तो उन लोगों से भी मैं ये निवेदन करता हूं कि दिल्ली को समझ लें, हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ ऐसा मजाक ना करें। लेकिन बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, अब कैसे बात कर रहा है? दिल्ली के दंगा में उसका नाम किस तरह से बात कर रहा था, जाके पुलिस को चैलेंज कर रहा था। और बिना, जब भी मुंह खोलता है मुंह से गंदा ही निकलता है, देश जलाने की ही बात निकलता है, मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार, आतंक, यही तो करता ही है। और क्या करता है, कुछ भी तो नहीं करता ये, इसके अलावा इसको कुछ आता भी नहीं है। तो कैसे हुआ पता नहीं, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया? जैसे ही भाजपा में ज्वाइन किया इसका हृदय परिवर्तन हो गया और ये इस तरह से बिहेव करने लगा, तो आप सोच सकते हैं कि कौन पार्टी है जो भारत जलाने की बात करता है, कौन सी पार्टी है जो दंगा की नीति अपनाता है। आदमी वही है, स्थान परिवर्तन होते ही ये बदल गया। एक और है, बहुत सारा निकलेगा लेकिन एक और। अब इनको देखिए ये क्या कह रहे हैं। ये मोहन भागवत को संविधान पढ़ने के लिए कह रहा था और मोदी को, ये सुनिए। मैं इतना ही कहूंगा कि मोहन भागवत जी को इस देश का संविधान पढ़ना चाहिए। और बहुत ही कष्टजनक है कि उनके जैसे वरिष्ठ व्यक्ति ऐसा बयान देते हैं जो कि कह रहे थे कि बीजेपी देश में दंगा कराना चाहती है, बीजेपी चाहती है कि देश का माहौल खराब हो और जगह जगह दंगे हो, ये सुनिए। और ये भाजपा का एक षड्यंत्र है कि किस तरह से वो इस देश को बांटे, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े और जगह जगह पे सांप्रदायिक दंगे हो। अब ये महाशय क्या कहते हैं, अब ये महाशय क्या करते हैं, हर टीवी डिबेट में कहीं पर भी गौरव भाटिया का आप निकालिए और देखिए किस तरह की बातें करते हैं। तो सिर्फ पार्टी का असर है, यानी कि बीजेपी जो है दंगा की नीति अपनाती है, उसका मेन एजेंडा है मुस्लिम के खिलाफ जहर उगलना, देश को बांटना, देश को आपस में लड़ाना, फूट डालो और राज करो की नीति साफ दिख रहा है। अब तो दो प्रूफ आपको दिए, बाकी भी निकालिए बहुत सारे, कोई भी उठा के देख लीजिए। जितिन प्रसाद ही गए हैं, पहले कांग्रेस में थे तो बीजेपी को गालियां निकालते थे, मोदी को गालियां निकालते थे, अब यूपी में चले गए, अब बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। इनका देखिए, सिंधिया जी का, माधव सिंधिया क्या बोल रहे थे, कैसे मोदी जी को गालियां निकाल रहे थे, ये तो है ना। सिंधिया साहब अभी हाल में गए बीजेपी में, इनका सुनिए। 2013 में जब मोदी जी आने वाले थे, प्रचार पर निकले थे, हर शहर में जाके कहते थे, मेरे भाई और बहनों पेट्रोल के दाम घटे चले हैं, डीजल के दाम घटने चाहिए, रसोई गैस का दाम घटना चाहिए, खाद का दाम
करना चाहिए या नहीं? मोदी जी ने कहा था। और अब सुनिए क्या कर रहे हैं, अब कैसे बात कर रहे हैं, सरकार में है अब मोदी जी की भाषा बोलते हैं। कहीं भी उठा के देखिए, सिंधिया जी चुप, मंत्री पद मिल गया, कुर्सी मिल गया, बीजेपी के हो गए, चहेते हो गए, मोदी जी के भक्त हो गए, अब उनके साथ ही उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है। देश खत्म हो गया है, देश पैसे के बल पे चल रहा है, पैसे के बल पे कुछ भी कर लो, नफरत फैलाया जा रहा है पैसे के बल पे। कौन आदमी है, मैं भी कह रहा हूं, ये कौन है? ये सवर्ण तो नहीं है, इसमें कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश नहीं लग रहा है। ये लड़के देखने के बाद लग रहा है कि कहीं से उठा के ले आया है, रोड पर से उठा के, जो खेतों में काम कर रहे हैं, चाहे कहीं भी किसान प्रवृत्ति का होगा, चाहे बहुत गरीब घर के बच्चे हैं, उनको उठा के ले आया, जो पढ़े लिखे भी कम है, उनको ज्ञान की कमी है, वो पढ़ना भी नहीं जानता है, वो हनुमान चालीसा पढ़ना भी नहीं जानता है। आप लोगों ने वो वीडियो देखा ही होगा कि हनुमान चालीसा का पढ़ने का नाटक कर रहा है, उसको पढ़ने नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों को कहाँ से लाया गया है, कौन है और किसके राज में हो रहा है? उस राज्य की पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है? वीडियो तो है ना, प्रूफ तो है ना। अगर पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से आगे कर रहा है, तो इसको अभी तक तो पकड़ के जेल में डालना था ना, तो क्यों नहीं डाला? ज्यादातर तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा हो रहा है, तो अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इन लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए था, इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चढ़ा देने चाहिए थे, जो लड़के जो कूद रहे हैं। और मियाँ क्या बोल रहे हैं, मियाँ हम गाली नहीं दे सकते, गाली दे रहा हूँ, खड़ा हो डांस कर रहा है, ये जो कर रहे हैं इनको पकड़ के अरेस्ट करो ना, बंद करो ना, नहीं कर सकते। इसी से फायदा होता है, प्रायोजित है, भारत जलाओ पार्टी का काम ही है, दंगे करवाओ, नफरत फैलाओ, लोगों को बांट के रखो और वोट लो। सवर्ण के 98% सवर्ण तो भाजपा के साथ है ही, दलित पिछड़ों को भिरा दिया, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत डाल दिया उसके दिमाग में कि वो तुम्हारा दुश्मन है। दलित पिछड़ों को ये बात पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, असली दुश्मन। नौकरी तुम्हें नहीं दिया, स्कूल तुम्हारा खत्म कर दिया, तुम्हारे स्कूल में टीचर नहीं है, तुम्हारा स्वास्थ्य का व्यवस्था खत्म कर दिया, बिना ऑक्सीजन के मरना पड़ा, ये कोई समझाने वाला दलित लीडर ही नहीं देश में। इतने सारे दलित नेता है लेकिन कोई भी लीडर नहीं है जो इन सबको एक साथ जोड़ सके। जातिवादी नेता बहुत है हर जातियों के, लेकिन इनको दलितों को एक साथ जोड़ने वाला कोई नहीं हो, कोई नहीं है देश में। चैलेंज करता हूं कोई नेता बता दे कि मैं इस पूरे दलित का रिप्रेजेंट करता हूं, नहीं। उसमें से दलित में जो 36 जातियां हैं उसके अलग अलग नेता हैं। तो इससे भारत जलाओ पार्टी को फायदा हो रहा है, विपक्षी फूट का फायदा भाजपा को अच्छी तरह से मिल रहा है, और दूर दूर तक और देश बढ़ता चले जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। ये ट्विटर के साथ ही अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या चल रहा है इस देश में और क्या होने वाला है। अभी भी समय है, जाग जाएं, लोगों को एकजुट करें, जागरूक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।